मुंबई की जानी मानी लेखिका समीक्षिका एंड कल्चरल क्रिटिक. शी इज जस्ट रिटन एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड टोल्ड थ्रू द बॉडी विच इज वन फुट ऑन द ग्राउंड विच इज टोल्ड थ्रू द बॉडी विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफी बट टेक्स इन मोर देन 70 इयर्स ऑफ अ लाइफ लिव्ड इन वेरियस एंड डिफरेंट वेज. बस घूम बोलो ना ये जो जर्नी और जल्द से जल्द ये किताब मराठी में आ रही है अभी इंग्लिश में आई है. इसी जर्नी बताइए कि कितना समय आपने एक बार और ये बहुत डिसिप्लिन लेखिका है बैठ जाती है तो लिख लेती है. मतलब देखा जाता है कि जब लेखक अपना लेखन कार्य करते हैं उनको एकांत क्लियर करना चाहिए शोर तरह से कहीं जा रहे थे झील स्टेशन में जा रहे थे. आपने इस किताब को देखने लगी जब आपके विचार आते गए आपने कौन सा जगह चुना था जगह में सांस एक ही और अच्छे जीवन में शांति नहीं होती. पहले से बच्चे होते हैं मेहमान आने लगे के लिए कुछ बनाना पड़ता है तो इस सब में कोई वक्त नहीं है. तो जहाँ बैठे वहाँ बस में भी आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा किसान हमारे घर में अभी तीन जन और तीनों के एक एक कंप्यूटर्स हैं और एक एक घर में कोना जो तो मेरे कोने में एक्सक्यूज मी मैं कंपनी करके ही कोई तो ये बात हमने बताया. मैं जब बुक पढ़ रही थी आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑफ ऑल द बुक टैक ऑफ द बुक ये पूरा किताब जो मेम्बर ने कहा पूरा बॉडी के थ्रू पे लिखा है उनका बॉडी एक्सपीरियंस और वुमेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आई डोंट नो हाउ मेनी इंडियन वुमेन हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट देयर लाइफ थ्रू द एक्सपीरियंस in this very, I mean many people have, but in this very matter-of-fact way, and what I love about the book is Shanti is very unsentimental. So she just talks in a very normal way, everything she talks about, and I think for all readers, but especially for women readers, it's such a delight to be able to hear all this, that is so comfortable with herself, and is so comfortable with every experience. तो मैं जब रीडिंग करी थी यहाँ पे मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा वो पढ़ने के लिए इतने आराम से इतनी लोग की वे उनके एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि इट्स जस्ट गॉर्जियस. आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट बुक. आई रियली होप एवरीवन रीड्स इट. इट्स डिलाइटफुल. इट्स रिटन ब्यूटीफुली. बट आई ऑल्सो थिंक जस्ट द रिलेशनशिप शी हैज विद हरसेल्फ एंड हर बॉडी इज सो इंस्पायरिंग. ओह मैं तो मम्मी बहुत सारे 15-17 साल हो गई मेरे लिए बहुत चीज़ में मेंटर है समथिंग वेरी इंस्पायरिंग. आई मैं तो थिएटर में काम करती हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो थिएटर में काम करते हैं और पहले से शांता भोपले हैज रियली बीन समबडी लाइक जेरी वाज सेइंग इट्स ऑलवेज देयर इट्स ऑलवेज एनकरेजिंग ऑलवेज गाइडिंग शी हैज एनकरेज मेनी यंग पीपल एंड घर की महिलाएं हमारी जो गृहिणी हो उनकी कितना फायदेमंद है फायदा नहीं. किताब पढ़ने में आपके मन खुलता है और आपकी दुनिया खुलता है. दुनिया मन तो खुलेगा वही वही वो दुनिया मन तो खुलेगा. और मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियाँ बहुत सारी वुमेन फॉर मेनी वुमेन ये जो दे विल सी देमसेल्व्स इन द बुक इन मेनी प्लेसेस आल्सो. And I think that public voicing बहुत important है क्योंकि लड़कियाँ के बातें तो छुपा रहते हैं पब्लिक बेहतर नहीं आते और ये किताब में आराम से आते हैं. मीन्स जो एटीट्यूड है बुक का ना वो अलग से आया.